और इस तरह काफी मुश्किलों के बाद गिरते पड़ते हम गांव के आखिरी घर पहुंचे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो झेलनी पड़ती है भैया। हाँ, बस ये रहा आखिरी घर कला दीदी का। मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपसे, ये वैसी गरीब है कि क्या देगी आपको साहब। मुझे नहीं चाहिए कुछ गोलू, मैं तो परमेश्वर के नाम से इधर आया हूँ और इस काम को आखिर तक अंजाम दूंगा। ठीक है, चलिए। अरे जेम्स जी की गोलूपिया, कैसे हैं आप? जेम्स जी की कला दीदी, बाइबल सोसाइटी से अलग भैया आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। बाइबल सोसाइटी से? वो भी मेरे घर पे? प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए रुकिए, मैं क्या करूँ, एक प्रभु मेरे घर में तो कुछ है भी नहीं, मैं क्या करूँ। दो मिनट रुकिए, मैं इंतजाम करती हूँ। आइए ना, आइए आइए, बैठिए आइए। अरे बहन, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग ऐसे ही ठीक है। आप आए तो प्रभु आए साहब हमारे घर में, आइए बैठिए बैठिए। और बहन कैसी हैं आप? हम तो अच्छे हैं भैया, आप बताइए। और ये क्या, ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, अरे कला दीदी वो रास्ते में गड्ढे थे तो हम दोनों गिर गए वहां पे। बहन आप मत घबराइए, ये बस ऐसे ही है। अरे नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं अंदर से मलहम लेके आती हूँ। आप चिंता मत करिए, ऐसी काफी देर हो चुकी है और हमें ये काम पूरा करके वापस भी जाना है। आप इधर आइए बैठिए। दीदी यदि आप बाइबल सोसाइटी को अपना दान देना चाहती हैं तो आप एलेक भैया को दे सकती हैं, क्योंकि जो दान आप देते हैं ना उससे परमेश्वर का वचन प्रकाशित होकर कई लोगों तक पहुंचता है। ऐसे महान काम के लिए साहब मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? परमेश्वर का वचन हर लोगों तक पहुंचे, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है साहब। माँ मैं आ गई। अरे बेटा तू आ गई, आजा आजा, देख कौन आया है। अंकल लोग आए, अंकल लोगों को जय मसीह की कर। जय मसीह की, जय मसीह। बेटा आजा बेटा आजा, इधर मेरे पास। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, ये कौन है? ये मेरी इकलौती बेटी है साहब। साहब ये मेरी इकलौती बेटी है, ये दिमाग से थोड़ा कमजोर जरूर है पर मेरे लिए परमेश्वर की तरफ से बहुत बड़ी आशीष है। अगर ये ना होती तो शायद आज मैं जिंदा ना होती साहब। वो कैसे? साहब 4 साल पहले की बात है, मेरा पति दारू पीकर बहुत गुस्से में था। जब वो दारू पीकर घर आया तब उसने मुझसे पैसे मांगे और मैंने पैसे देने से ही मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे साहब। तभी और पता साहब अब तो वो बहुत बदल गए हैं और अब पहले जैसे नहीं रहे। कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे जीवन को परमेश्वर के और करीब ले आती है। बेशक कुछ घटनाएं तकलीफदायक बहुत होती है पर उसका फल मीठा बहुत होता है साहब। अरे साहब माफ करना, बातों ही बातों में तो भूल ही गई।
अरे ये क्या साहब जी, मैंने कोई बहुत बड़ा दान थोड़ी ना दिया है, ये तो कुछ भी नहीं था। परमेश्वर के राज्य में बोया हर एक बीज कीमती होता है। परमेश्वर दान को नहीं मन को देखता है। प्रभु का धन्यवाद। साहब जी आप तो 5 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए अभी कुछ खाने को लाती हूँ। दिन भर आप लोग इधर उधर घूम रहे, पता नहीं आपने दिन भर से खाना खाया कि नहीं। आप लोग बस 5 मिनट रुकिए, मैं अब भी अंदर से जाके कुछ लाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, हमें नहीं खाना, हमें बहुत देर हो रही है। हाँ बहन परेशान मत हो, वैसे ही अभी बहुत देर हो चुकी है और हमें बहुत दूर जाना है। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आपको कुछ तो खाना होगा, मैं अभी अंदर से जाके कुछ लाती हूँ आपके लिए, रुकिए आप। अरे भैया काला दीदी घर का खाना नहीं खाना चाहिए। अरे यार क्योंकि ये काम करने जाती है बर्तन वर्तन धोने, तो उन लोग अपना खाना दे देते हैं, बचा कुछ कुछ बासा दे देते हैं, इसलिए मैं तो नहीं खाता। बहन बिना वजह आप परेशान हो रहे हैं। खाइए खाइए सब। मेरा दीदी हो गया, बस इतना ही खा पाऊंगा मैं, बस मेरा पेट भरा था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। क्यों नहीं खा भाई? हे प्रभु ये सब्जी तो खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने उस बहन की सेवा भाव को देखकर उस भोजन को ग्रहण किया। और दिन भर के नेगेटिव रिस्पांस के बाद जब हम कला सिस्टर के घर से निकले तो हमें परमेश्वर का आनंद सा महसूस हुआ और मन आनंद से भर गया। साहब सुबह से शाम हो गई लेकिन सिर्फ 5 रुपए मिले, और कला दीदी के यहाँ तो मुझे खा ही नहीं जा रहा था, और मैंने तो बहाना मार दिया, लेकिन हम कैसे खा लिए पूरा खाना? गुल्लू तुम्हें पता है उस बहन के पास सिर्फ वही 1-5 रुपए जो उसने परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोया। मुझे उसका दान इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे उनका स्वागत करने का तरीका पसंद आया। हम इतने घर जाते गोलू, हर लोग तरह तरह से हमारा स्वागत करते, लेकिन इस बहन का स्वागत करने का तरीका मेरे दिल को भाग। बेशक वो खाना बासा था लेकिन उसकी तरफ से वो बेस्ट था, और उसका वो मुस्कुराता चेहरा, उसे देखकर ही मैं सारा खाना खा गया। मेरा परमेश्वर पिता भी बोलू उसके लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा। और तब मेरे दिल में आया कि दिन भर का डीए जो हमें मिलता था उसमें से जो पैसे बचे थे मेरे पास, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि क्यों ना मैं सिस्टर के लिए कुछ राशन खरीद के दे दूं। गुरु तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ, ठीक? कहीं जाना मत। गुरु बेटा इस बहन को दे देना ये राशन, ठीक? और उसे बताना मत कि किसने दिया, कि परमेश्वर का वचन भी कहता है देने से देना आना, इसलिए उसे प्लीज मत बताना। जो उसने बोया वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोया, और जो मैं उसे दे रहा हूँ वो उसकी उन्नति, हो सकता आज वो ताजा खाना खा सके। ठीक है बेटा ये उसे दे दे। साहब ये तो आपके डीए के पैसे थे ना? कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, मेरी तकलीफ उसकी तकलीफ से ज़्यादा नहीं है, समझा? जा ये राशन उस बहन को दे दे।
सर, मैंने ट्रेवल तो बहुत किया है, लेकिन ये घटना मैं बीते 16 सालों से याद रखता आया हूँ। ये मेरे लिए एक आनंद पूर्वक अनुभव था। उस बहन का 5 रुपए मेरे BSI के सेवा काल में सबसे बड़ी राशि है, और इस तरह मुझे एहसास हुआ कि BSI में आने वाली हर एक राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह राशि लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए।